हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आई है टाटा की ट्रक BS4, जिसमें कि प्रॉब्लम हो रहा है कि गाड़ी जो है वो कभी स्टार्ट हो रही है, कभी नहीं हो पा रही। तो मैं आपको ऑल DTC पे फॉल्ट कोड दिखा देता हूँ कि ऑल DTC पे एक तो एक्टिव हमारा बूस्ट प्रेशर का है, दूसरा हमारा क्रैंक सेंसर का जो फॉल्ट कोड है वो आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम क्रैंकिंग करते हैं तभी गाड़ी में ओनली बूस्ट प्रेशर का फॉल्ट कोड बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है। तो इसमें हम लाइव डाटा पे आपको चेक कराते हैं कि आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको लाइव डाटा पे देख के कैसे पता लग सकता है कि क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। तो हमने सेलेक्ट किया है इंजन स्पीड यानी कि RPM और रेल प्रेशर। तो हम गाड़ी को क्रैंकिंग कर रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हो रेल प्रेशर हमारा बन रहा है बट इंजन RPM जो है वो 10-20 से ज़्यादा नहीं बन रहा है, जिस वजह से गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके बाद हमने जब चेक किया तो कभी जो है RPM वो सही बता रहा है तो फिर गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट हो जा रही है, और स्टार्ट होने के बाद बंद फिर नहीं होती है, वो फिर सही रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा ही हो रहा है, हमने 2-3 बार क्रैंकिंग किया बट आप देख सकते हो इंजन स्पीड जो है वो 10-20 से ज़्यादा नहीं बता रहा है, रेल प्रेशर हमारा बन रहा है यानी फ्यूल लाइन तो ओके है बट RPM नहीं बताने की वजह से गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। तो हम दोबारा आपको फॉल्ट कोड भी चेक कराते हैं, देखो फॉल्ट कोड इसमें जो है क्रैंक सेंसर का नहीं बन रहा है तो आप फॉल्ट कोड देख के गाड़ी पे पता नहीं कर सकते, कई बार आपको लाइव डाटा भी देखना पड़ेगा जिससे आपको पता लग सके कि गाड़ी में जो है एग्जैक्ट प्रॉब्लम किस सेंसर की वजह से हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में ये दिक्कत हो रही है। तो लाइव डाटा जो है आप ऐसे चेक कर सकते हो व्हीकल पैरामीटर्स में जाके। मैं दोबारा आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि इंजन RPM जो है वो हमारा नहीं बता रहा। तो इस कंडीशन पे सबसे पहले तो हमें क्रैंक सेंसर चेक करना पड़ेगा कि क्रैंक सेंसर हमारा ओके है या फिर नहीं है। कई बार क्रैंक सेंसर देखने में तो सही लगता है बट उसमें प्रॉब्लम होती है जिसके कारण गाड़ी में वो सेंस नहीं कर पाता सही से, तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसमें हमने नया क्रैंक सेंसर जो है इस गाड़ी में हम डालेंगे और गाड़ी फिर हमारी ओके हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हमारे पास भी आके रिपेयर करा सकते हैं। हमारा जो शॉप का एड्रेस है वो झारखंड डीजल है नाम, और शॉप जो है हमारा वो दुमका में पड़ता है, ऊपर आपको एड्रेस दिख रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। गाड़ी में सेंसर चेंज करने के बाद गाड़ी जो है वो हमारी ओके हो गई थी। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।